तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सभी 28 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की विजय होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी ने। हम ये देख रहे हैं कि चुनाव संपन्न हो गया और जो वोट आप परसेंटेज दिखाई दे रहा है, कई जगह काफी बेहतर परसेंटेज रहा है और आप लोग ने बहुत अच्छी मेहनत की है, क्योंकि मेरी आपकी मुलाकात भी कई विधानसभा में हुई है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? मनोज जी, इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अथक मेहनत कार्यकर्ताओं ने की है और जो हम आज का चुनाव का परिदृश्य जो देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकल करके मतदान कर रहे हैं, उसी बात से ये सिद्ध होता है कि इस चुनाव में मतदाता बहुत जागरूक होकर के मैदान में उतरा है और जिन कारणों से ये सरकार कांग्रेस की गई, उन कारणों को लेकर के मध्य प्रदेश के संवेदनशील नेतृत्व पर मतदाता भारतीय जनता पार्टी पर मुहर लगाने का काम जिस ताकत के साथ कर रहा है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 28 की 28 सीटें जीतेगी। जी, लेकिन ये जो चुनाव रहा, इस चुनाव में बहुत कुछ चीज़ें अलग देखने को मिली। बीडी शर्मा को जितना हम जानते हैं काफ़ी लंबे अरसे से, इस तरह के बयान आपके देखने मेरी नज़रों में नहीं आए, लेकिन मैंने देखा कि बयानों की सीमाएं लांघी गई, खासकर जब कांग्रेस के ऊपर आपने आरोप लगाए, कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी ये दिखाई दिया, हालांकि आपकी समझाइश बार बार मिलती रही, लेकिन ये जो बदलाव सियासत में दिखाई दे रहा है, ये बदलती हुई सियासत क्या कह रही है? देखिए, ये कांग्रेस के लोगों ने इसलिए शुरू किया अनर्गल आरोप लगाना कि वो 15 महीने के उस कार्यकाल का जवाब नहीं देना चाहते थे। कमलनाथ जी से, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लोग जो पूछ रहे थे कि जिनके इशारे पर सरकार कमलनाथ जी चला रहे थे, तो 15 महीने में आपने क्या किया? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके गरीबों का हक छीना आपने। आपने विकास के नाम पर केवल छिंदवाड़ा को देखा और ग्वालियर चंबल अंचल के साथ तो आपने इतना अन्याय और धोखा किया कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर आप उस क्षेत्र के विकास के जयरोग चिकित्सालय मेडिकल जो कॉलेज है उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, तो दिग्विजय सिंह ने अवरुद्ध कर दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि वो सिंधिया का क्षेत्र है। और छिंदवाड़ा के अंदर मेडिकल कॉलेज 1600 करोड़ रुपये आप दे देते, तो एक इम्बेलेंस आपने जो किया और कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल को, अन्य विधानसभाओं को आपने जो उनके साथ छलावा किया और जो वादे किए थे जनता से वो आपने कोई पूरा किया नहीं, जिनके कारण से विधायक जनता के बीच जा नहीं सकते थे और अंत में उनको इस्तीफा देना पड़ा, अंतरकलह आपकी हुई कांग्रेस में और वो वापस आए, सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए इस दिशा में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियाँ उन्होंने पैदा की उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये चुनाव बहुत विशेष चुनाव बन गया मध्य प्रदेश के लिए। कमलनाथ से जब बात हो रही है, अभी भी बात हो रही है लगातार, तो वो ये कह रहे हैं कि आप तारीख लिख लीजिए 11, जब सुबह पेटियां खुल रही होंगी, ईवीएम खुल रही होंगी, वो शपथ ले रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि कुछ दिनों से तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया उनके कार्यकर्ताओं ने कि भावी मुख्यमंत्री। देखिए, कमलनाथ जी 15 अगस्त को शपथ ले रहे हैं, वो तारीख निकल गई और ये कहने में गलत क्या है, जाता क्या है हमारे मन में कहने में, हम मन के पुलाव खाते रहे उससे क्या होगा। लेकिन कमलनाथ जी को ये सोचना चाहिए, आज दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है, कमलनाथ जी से चर्चा होने के बाद ही दिया है, वो पहले उनके यहाँ थे, वहाँ से चर्चा हुई, बाहर आए, फिर उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि आप ट्विटर के नेता बचे हों, उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईवीएम में चिप हैक होने की संभावनाएं हैं और ये मुझे पूरी आशंका है कि ईवीएम जो है गड़बड़ी सरकार कर रही है। आप मुझे बताइए, जो उनका प्रमुख नेता है, जिनके इशारे पर और पूरी रणनीतिकार वही हैं, और दिग्विजय सिंह पहले ही हार स्वीकार कर चुके और अब हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है 10 तारीख को, तो वो ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी उन्होंने कर ली, तो ये तो कमलनाथ जी के इशारे पर ही उन्होंने बात करके किया है। तो ये तो कमलनाथ जी बताएं, वो ये कहेंगे कि हार क्यों हारे और उधर वो ये हवा भरने का काम कर रहे हैं, हाँ नहीं हम तो 28 की 28 जीत रहे हैं, तब भी सरकार नहीं बनती, 28 जीतने पर भी सरकार नहीं बनती, वो शपथ काहे की लेंगे? माना कि हम तो आप और हम उन्हीं की बात मान लेते हैं कि आप तो 28 की 28 जीत रहे हो, तो तब भी सरकार नहीं बनती, 29 चाहिए सरकार के लिए। तो
तो एक कहां से लाएंगे? राहुल गांधी की बोनस में भेजेंगे? दिवाली का बोनस एक विधायक में तेरे को भेज रहा हूँ, सरकार बना ले, तो जनता थोड़ी मूर्ख थोड़ी, गणित जिसको जरा भी आता होगा, तो सरकार तो बीजेपी की रहेगी। कहाँ देख रही भारतीय जनता पार्टी? चलते चलते आपसे मेरा एक जरूर सवाल, मनोज जी, मैं ऐसा मानता हूँ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो वातावरण बना है, जिस प्रकार से जनता ने रेस्पॉन्स किया है और जो ट्रेंड देख रहे हैं, हम 28 के 28 सीटें चुनाव में जीते।